नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, क्लास में सोती रही महिला टीचर, छोटी छोटी बच्चियों से कराया पंखा, सरकारी नौकरी का ऐसा सुख और कहां। वायरल वीडियो में जिले के धनीपुर ब्लॉक के अंतर्गत गोकुल गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक महिला टीचर जमीन पर चटाई बिछाकर आराम से चैन की नींद सो रही है और दो बच्चियां स्कूल की ड्रेस में उसे पंखे से हवा कर रही है। यूपी के प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके भविष्य को संवार रहे हैं, इसका उदाहरण अलीगढ़ के एक प्राथमिक स्कूल में देखने को मिला है। यहाँ स्कूल टाइम में सरकारी टीचर अपनी नींद पूरी करती रही, इतना ही नहीं बिजली के न होने पर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पंखा पकड़ा दिया और उनसे हवा करवाती रही। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के धनीपुर ब्लॉक के अंतर्गत गोकुल गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक महिला टीचर जमीन पर चटाई बिछाकर आराम से चैन की नींद सो रही है और दो बच्चियाँ स्कूल की ड्रेस में उसकी पंखे से हवा कर रही है। वीडियो वायरल होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी व जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वीडियो कई दिन पुराना बताया जा रहा है। इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब इस वीडियो को लेकर बीएसए ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बीएसए राकेश कुमार का कहना है कि वीडियो का संज्ञान लिया गया है, जल्दी टीम भेजकर मामले की जाँच करवाई जाएगी, गुण दोष के आधार पर संबंधित कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज।